हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जनवरी 30, 2024, यानी आज से लगभग 5 महीने पहले की कहानी, जहाँ पर हमने RVNL के बारे में बात की थी, और आज उसके बारे में फिर से बात करने आ गया हूँ आपके सामने। क्योंकि मेरे दोस्तों, आज जो है आपको वो वीडियो के लर्निंग जो है वो आपको दिखाऊंगा। क्या गजब चीज़ थी, और उस समय हमने क्या क्या बोला और क्या क्या हुआ। 30 जनवरी को ये वीडियो हमने डाला था। RVNL शेयर एनालिसिस आप देख सकते हो, उस समय भी टारगेट पुराने अचीव हो गए थे। ठीक है ना, मैं इसको एनलार्ज करता हूँ और इस वीडियो को भी सुनाऊंगा। हमारे जो ये टारगेट थे 345 रुपये के, ये अचीव हुए थे, और उससे पहले 281 के आसपास, 290 के आसपास का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ था। और उसके बाद जब ये बढ़ गया तो हमने कहा भैया अब बस हो गया, बात यहां से जरा नीचे आना शुरू करो। और उसके बारे में क्या कहा पहले आपको सुनाऊंगा, उसके बारे में नई बातें करेंगे। आइए सुने। 20 रुपए के आसपास जाएगी। जी हाँ, ये करेक्शन 220 रुपए के आसपास जाएगी। और अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि वहां पर ये बोला कि अब इसके बाद करेक्शन होगी, 320 रुपए के, सॉरी 220 रुपए के आसपास जाएगी। ठीक है, सुनिए ध्यान से। 220 रुपए के बाद यहां से एक अच्छा, मैंने इसमें से जो पुराने टारगेट अचीव हुए थे वो वीडियो हटा दिया है इसमें, मतलब वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रहा। आप चाहें तो इसके अच्छी तरह से जाके देखें, क्योंकि वहां का भी एनालिसिस बड़ा गजब था। वहां पर भी पूरी की पूरी बातें बिल्कुल वैसे हुई जैसे हमने वहां प्लान किया था। तो वो पिछले टारगेट नहीं बता रहा मैं आपको, इस वीडियो में जो नया टारगेट बताया था, आगे का बिहेवियर जो बताया था, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। वो पुराना वीडियो भी देखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टारगेट अचीव होने के बाद की बात बता रहा हूं मैं इस वीडियो में, कि अब यहां से नीचे करेक्शन शुरू होगी और ये 220 तक जाएगा। आइए सुने। एक दोबारा आपको राइज नजर आएगा। तो जो ये आपको मैं दो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, ये 220 रुपए का पॉइंट और ये 280 रुपए 81 रुपए का पॉइंट, राइट, ये दो पॉइंट्स हैं। यहां से लेकर अभी 298 चल रहा है, ये 281 तक आके इस पॉइंट पर आके, यानी इस लाइन पर आके भी यहां से राइज कर सकता है। और उसके अलावा एक 250 का टारगेट मैंने आपको दिया था, वो 250 के टारगेट पर भी आके यहां से दोबारा से ऊपर जा सकता है ये शेयर, लेकिन करेक्शन होनी जरूरी है। और अगर ज्यादा करेक्शन आई, जो कि यहां से बहुत बड़ा राइज देगी, वो 220 तक हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस कम है। तो सबसे ज्यादा कम चांसेस है कि ये 220 तक आने के बाद बढ़े, उससे कम चांसेस है कि 250 के आसपास आके बढ़े, और ज्यादातर जो चांस, उससे ज्यादा चांसेस इनफैक्ट 250 के हैं। और उसके अलावा अच्छा, यहां पर एक बात समझने वाली है कि हमने तीन लेवल्स बताए कि जिसमें कम चांसेस है 220 के जाने के, क्योंकि जिस स्पीड से बढ़ा था और जिस स्पीड से जो है गवर्नमेंट का यहां पर जो है इसका सपोर्ट आने वाला था और ज्यादा तेजी से, वहां पर जो है इसने एक सबसे पहले रेस्ट किया। उसके पीछे का कारण था चुनाव, क्योंकि ये सारी की सारी जो बातें हैं ये गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करती हैं। तो वहां पर जो है चुनावों तक का पूरा समय इसने निकाला। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? और वो समय जब निकल गया, ये बातें जब क्लियर हो गई कि भाई अब जो है वही सरकार चलेगी, फिर सरकार जो बनी वो सरकार बनी थोड़े से सपोर्ट के साथ, NDA का ही सपोर्ट था। प्योर BJP की सरकार जो है, हम कहें जैसे पहले बनी दो बार, वो तो नहीं बनी। तो उस चीज को मार्केट ने चेक किया कि यहां कितनी स्टेबिलिटी है। जब वो स्टेबिलिटी आई तो आप देख रहे हो कि इन्वेस्टर्स कूद पड़े दोबारा, और वहीं से राइज हुआ। अब हमारा इसमें जो व्यू है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा बड़ा चांस यही है कि ये शेयर 281 पर आके दोबारा से एक राइज आपको दोबारा दिखाना शुरू करे। तो हमें तीनों चीजें चेक करनी है। वो सब करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहां से आता है, माय डियर फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है। 422 रुपए का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं। ये 422 रुपए का टारगेट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। 422, 424, ये जो भी इसके आसपास मान लीजिए 425 रुपए, ये टारगेट आपको नजर आएगा बहुत जल्दी। यहां से करेक्शन करने के बाद ये शेयर आपको यहां पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। करेक्शन जितनी ज्यादा होगी उसके बाद जब ये चढ़ेगा तो उतना ही बड़ा रिटर्न देगा।
अब यहां पर कमाल की बात ये बताई कि जितना ज्यादा करेक्ट करेगा यानी जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतना ही बड़ा रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि 422 तो जाना ही जाना है, 425 तो जाना ही जाना है, यानी 220 से लेके अगर आप कैलकुलेट करो तो एक बहुत बड़ा नंबर बताने वाले हैं। सुनिए, समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरा जो मानना है वो सबसे ज्यादा सिचुएशन यही है कि यहां से लेकर के ये एक बार 280 के आसपास आने के बाद वहीं से 50% का रिटर्न दे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आने वाले साल में इसके पास और क्या बड़े बड़े काम आते हैं जिसके आने की बहुत सारी उम्मीद अब है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसमें उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि जिस हिसाब से रेलवे का पूरा नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है उस नेटवर्क के ऊपर सारी की सारी कहानी चल रही थी, ठीक है ना? क्योंकि गवर्नमेंट ने रेल को विकास करने का, रेलवे का विकास करने का जो जिम्मा ले लिया है तगड़े वाला, और उसमें बिल्कुल फिफ्थ गियर में गाड़ियां चला दी हैं कि भैया लो अब इसको हम बढ़ाने वाले हैं, मोस्ट मॉडर्नाइज्ड हम इसको बनाने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, और उनमें जितने भी रेलवे कंपनीज है वो एक बड़ा बड़ा जो है रोल अदा करेंगी, राइट? तो इसी कारणवश जो है ये सारे के सारे शेयर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण, गवर्नमेंट की नीतियों के कारण, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के कारण जो है, कनेक्टिविटी को बेहतर करने के कारण, ये सब जो रीजनिंग जो है उसके पीछे, जो सरकार का ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय है, उसके कारण ही ये इकोनॉमी को इतनी तेजी मिल रही है, राइट? तो मैं थोड़ा सा इसे आगे करता इसको हूँ और आपके गति लिए, देनी पड़ेगी, और यहाँ पर रीजनिंग और इसको बहुत बेहतर सारी बताई हैं, आप बनाएंगे, सुनना चाहें तो वहाँ सुन लीजिएगा। तो की अल्टीमेटली यहाँ देंगी से लोगों लेकर को के वो हमने उम्मीद, जो कैलकुलेशंस बताई वो सारी की साथ में सारी हमारे दो कोर्सेज इस हैं। पॉइंट से थी कि यहाँ से बढ़ना क्यों है, गिरना क्यों है। तो वहाँ से लेकर के आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसने एक पॉइंट ऐसा भी आया, ये देखिए सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, कि वो 281 का लेवल एक बार देखते हैं कहां पर है, 281। ये देखो यहां पर आके वो रुका, जरा ध्यान से देखिए 281 पर आके रुका, देख रहे हो यहां पर। लेकिन जब वहां से वो सपोर्ट तोड़ दिया कि नहीं अब यहां नहीं, तो यहां से तय हो गया था कि अब इसने नीचे ही जाना है। फिर अगला सपोर्ट लेकर के जब वो नीचे गया तो वो 250 के सपोर्ट पर गया, वो 250 के सपोर्ट पर भी कोशिश की कि यहां से ऊपर चल पड़े, ये देखो यहां से वापस आके ऊपर कोशिश की लेकिन फिर नीचे आ गया जब वो सपोर्ट टूटा। तो जरा इस नंबर को देखिए, 220 के आसपास आपको ये दोनों कैंडल जो हैं इसके लोज नजर आ रहे हैं। इसका लो तो चलो बहुत थोड़े पीरियड के लिए उसी दिन 213-14 भी गया, लेकिन अगर इनका बिल्कुल दोनों का बेस चेक करें, पुरानी कैंडल का और इसका दोनों दिन का, तो वो यहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट नहीं 220 के आसपास ही आ रहा है। तो अब यहां से सिचुएशन हो गई थी कि अब इसने आगे रिकवरी करनी शुरू करनी है, लेकिन ये तारीख थी मार्च की। अब क्योंकि मार्च की कहानी थी और मई के महीने तक चलना था सारा का सारा काम, माई डियर फ्रेंड्स जरा देखो, उम्मीदें जब जगी तो ये फिर ऊपर चल पड़ा, और उसके बाद ये मई के महीने में जो सारा चुनावी खेल था जब वो शुरू हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे करके रिजल्ट की बातें हुई। रिजल्ट उस दौरान लग ही रहा था कि हाँ ये बिल्कुल जो है आगे चलेगा, अब यहां से सारा सेंटिमेंट शुरू हो गया ऊपर। लेकिन आप ये समझो, यहां तक की जो है, यहां तक की कहानी चुनावी नहीं थी, जो 220 तक के आने का खेल था वो तो करेक्शन थी और वो वहीं पूरी हुई। उसके बाद चुनाव के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से सब कुछ होने लगा, और एक बार 3 तारीख को तो इसने 425 छू ही दिया था जिसकी हम बात करके गए थे, करेक्ट। लेकिन मैं उस समय क्यों नहीं आया, क्योंकि डिसाइसिवली ब्रेक नहीं हुआ था। हालांकि हो गया, टारगेट हमारा ये 425 रुपये का जो हमने चुना था वो उसी समय पूरा हो गया था, और सच बात बताऊं मैं आपको, तो हमने अपने जो स्टॉक मार्केट पल्स हमारा वीकली वेबकास्ट होता है, यहां पर जाने के बाद बता दिया था कि अब नए टारगेट इसके कितने बनने वाले हैं। 536 रुपये का टारगेट दिया हुआ है, हाँ जी 536 रुपये जाना है इसने, 536 540 के आसपास, ये समझ लीजिए आप। तो 536 540 के आसपास का टारगेट बताया हुआ है, और आप देखो कि वो टारगेट में से आज की डेट में ही 491 पहुंच गया।
अब मैं आपको यहां पर ये भी बता रहा हूं कि हमने जो टारगेट वहां पर पहले ही अपने स्टॉक मार्केट पल्स में बता दिए थे उसमें से भी अब आप देखो जब ये गया तो वहां से लेकर के आज तक कितना रिटर्न दे चुका है। ये वो पॉइंट था जहां से हमने बताई थी बात, और वहां से लेकर के हमने लगभग 57-58% का रिटर्न एनालाइज करके बताया था, वो भी मिनिमम। ठीक है जी, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर के तो 73% का पहुंच जाता है जो लो था ये, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हमने इसको पुराने वाले बेस को भी देखा हुआ है तो हम कम से कम यहां पर आने के बाद, क्योंकि ये तो एक ही दिन की कैंडल है ना, देखो एक दिन में बिल्कुल कुछ समय के लिए नीचे आया तो इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इस वाले निचले हिस्से को, तो मैंने इस बेस को ही कैलकुलेट किया कि कम से कम लोग यहां पर डेफिनेटली जब लेंगे 345 पे तो वहां से 57% का रिटर्न बनता है। आज अगर देखें तो उस 57% रिटर्न में से, ये सारी बातें हमने अपने स्टॉक मार्केट पल्स कोर्स में बताई थी, ठीक है ना। जैसे कि आप ये देख रहे हो पुराने वीडियो, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि हम अपने स्टॉक मार्केट पल्स में हर वीक वेबकास्ट करते हैं और उसमें 50 से 60 टॉप कंपनीज का टेक्निकल, बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, साइकोलॉजी देखते हैं, और वीकली दो रिकॉर्डेड सेशन या दोनों का एक ही, यानी टोटल मिला के 30-30 कर देते हैं, या नहीं तो एक ही दिन में 50-60, तो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये इन एनालिसिस को जो है हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन के सिचुएशन कैसी है। तो ये सारा का सारा खेल आपके सामने पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 491 रुपए ऑलरेडी पहुंच चुका है। पुराने वाले वीडियो में जो टारगेट हमने 425 का दिया था वो तो पहले हो गया था, ठीक है, वो तो यहीं पर खत्म हो गया था, मैं उसकी बात नहीं करने आया, वो तो हो ही गया था, उसकी तो यहां बात ही नहीं हो रही, ठीक है जी। वो तो 3 जून को ही कर दिया था हमने पूरा, लेकिन उसके बाद का जो खेल हुआ वहां से पूरा का पूरा राउंड चेक करना था, वहां से भी हमारी कैलकुलेशन सही हो गई। अब कारण ये कुछ बोलेंगे, सर आप आरबीएनएल हमें पहले ही बता देते, यूट्यूब पर आ जाते और हमें भी बता देते। तो भाई देखो, ऐसा है कि जो हमारे पेड सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने वो कोर्स लिया हुआ है, उनको वो एनालिसिस अगर मिल जाए और आपको भी सारी चीज़ें मिलती रहे तो फिर उनके लिए थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। इसीलिए अगर आप इस तरह के एनालिसिस हर वीक देखना चाहते हो तो आपको हमारा वो स्टॉक मार्केट पल्स वाला कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और देखो, कमाने वाले तो सीखने के बाद पता नहीं कितना कमा लेते हैं, एक बार लर्निंग हो जाए तो फिर अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती। अब मैं आपको ये बताता हूं कि 10% का 11% का मार्जिन अभी भी बाकी है, यानी आने वाले वीक में ये 10% भी पूरा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से ये कहे, नहीं जी मैं तो यहां पर थोड़ी सी करेक्शन करूंगा और थोड़ा समय यहां बिता दे, बहुत ज्यादा नीचे आने के चांसेस जरा कम है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वापस 425 पे ये शेयर अभी फिलहाल नहीं आना चाहेगा। क्यों नहीं आना चाहेगा जी? इस लेवल पर आके बढ़े तो भैया हमारे लिए और बढ़िया है, यानी और बड़े टारगेट मिल जाते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यहीं से करके इसे ऊपर निकल जाना चाहिए। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सारी कहानी छोड़िए, हाँ जी सारी कहानी छोड़िए, पता लगा कि ये शेयर सीधा ही ऊपर निकल लिया, यानी यहां से अगले 2 दिन में वर्किंग जो होने वाली है मंडे ट्यूसडे, लेकिन मैं आपको कहूं 5 दिन लेके चल रहा हूं मैं, 5 दिन में 10%, लेकिन हो सकता है कि 2 दिन में ही निपटारा कर दे, हो सकता है मंडे को ही निपटारा कर दे, हु नोस। लेकिन फिर भी 7 दिन का जो है गैप लेके चल रहा हूं मैं कि ये काम जो है 10% का 7 दिन में आराम से हो जाना चाहिए। और अगर नीचे आके चला तो फिर एक नया चांस देगा। अगर ये करेक्शन येलो वाली की 474-72 के आसपास तो यहां से दोबारा मौका देगा बड़ा, और अगर आगे नीचे करेक्शन कर ली 425 तक तो फिर तो एक और शानदार रिटर्न आपके लिए तैयार है, ठीक है ना, 27% के आसपास का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 27% का रिटर्न अभी लेने देंगे, क्योंकि ये करेक्शन शुरू होनी चाहिए एक बार ये 542-540 आ जाए, उसके बाद इसे यहां से दोबारा से करेक्ट करके चलना चाहिए। ये सारी की सारी गेम आरबीएनएल के बारे में आपको मैंने बताई। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पुराना वीडियो था ये 30 जनवरी का वीडियो है, आप चाहें तो लिख दीजिए
जैसे मैंने लिखा हुआ है RVNL सुधीर सचदेवा, तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उसको पूरा देखिए, उसमें से लर्निंग का जो गेम है वो सीखिए। और यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया है ये नए टारगेट की कहानी भी, ये भी अच्छी तरह से इसको व्यू को मेरे देखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर से कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।